बिहार में टीचर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में टीचर भर्ती के लिए छठे चरण के लास्ट स्टेज का डेट जारी किया गया है। छठे चरण के लिए 17 से लेकर 20 मार्च के बीच काउंसलिंग शुरू की जाएगी। इसके बाद इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 25 से 28 मार्च के बीच बांटे जाएंगे। यह कवायद उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद की जाएगी। शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम मौका है। मिली जानकारी के अनुसार इस छठे चरण के लास्ट स्टेज में इन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जाएगी, जहां अभी तक एक भी स्टेज की काउंसलिंग नहीं हुई है। इसके साथ ही कुछ नियोजन इकाइयों में दूसरे और तीसरे चक्र की काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले यह संभावना जताई गई थी कि छठे चरण की बाकी रह गई रिक्तियों को सातवें चरण में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन विभाग ने यह फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग के तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 17 मार्च को होगी। इस दिन क्लास 6 से 8 तक के लिए यह काउंसलिंग की जाएगी। इन्हीं नियोजन इकाइयों में क्लास 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग 18 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह दोनों काउंसलिंग जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी, जबकि पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए क्लास 1 से 5 तक की काउंसलिंग 20 मार्च को होगी। यह काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित की जानी है। बता दें कि जहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, वहां पर 10 मार्च तक नियोजन इकाइयां मेघा सूची NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी। इस मेघा सूची पर आपत्ति प्राप्त कर उनका निवारण किया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च तक अंतिम मेघा सूची जारी कर दी जाएगी। शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा। विभाग के मुताबिक चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन की कवायद 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में टीचर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में टीचर भर्ती के लिए छठे चरण के लास्ट स्टेज का डेट जारी कर दिया गया है। छठे चरण के लिए 17 से 20 मार्च के बीच काउंसलिंग शुरू की जाएगी। इसके बाद इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 25 से 28 मार्च के बीच बांटे जाएंगे। यह कवायद उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही की जाएगी। शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम मौका होने वाला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।